नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। जी हां, कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उनके शपथ ग्रहण तो पहले ही हो चुका है, लेकिन आज उनकी सेना यानी उनका मंत्रिमंडल शपथ लेगा और इसके लिए लंबे चौड़ी तैयारी चल भी रही है। मंत्रिमंडल के गठन के लिए काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मंत्रिमंडल में सभी गुट के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और ऐसा हुआ भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनमें डॉक्टर गोविंद सिंह, आरिफ अकील, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, लखन सिंह यादव, विजय लक्ष्मी साधो, हुकम सिंह कराड़ा, तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, ओंकार मारकाम, सुखदेव पांडे, प्रभुराम चौधरी, जयवर्धन सिंह, हर्ष यादव, कमलेश्वर पटेल, लखन घनघोरिया, तरुण बनोट, पीसी शर्मा, सचिन यादव, सुरेंद्र सिंह बघेल, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, प्रद्युम्न तोमर, प्रदीप जायसवाल, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी और प्रिय रावत सिंह। तो कुल मिलाकर 28 चेहरे ऐसे सामने आए हैं जो मध्य प्रदेश में संभावित मंत्री के रूप में आज शाम को 4 बजे शपथ ले सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यही है कि इसमें कोशिश ये की गई कि सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। इस मान से देखा जाए तो इसमें क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से भी संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। ग्वालियर चंबल संभाग से 5 मंत्री हैं, बुंदेलखंड से 3, महाकौशल से 4 हैं, मध्य क्षेत्र से 6 हैं, मालवा और निमाड़ से सर्वाधिक हैं यानी यहां से 9 मंत्री हैं और 1 विंध्य से है। यह भी कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के गठन में कमलनाथ का पलड़ा भारी रहा। इनमें से 7 सदस्य सिंधिया समर्थक हैं तो 21 सदस्य कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खेमे के हैं। आइए अब जानते हैं इन मंत्रियों के बारे में विस्तार से। लाहौर से 7वीं बार निर्वाचित हुए डॉक्टर गोविंद सिंह पहली बार सरकार में गृह और सहकारिता मंत्री का पद संभाल चुके हैं। आरिफ अकील कांग्रेसी हैं पुराने और वे भोपाल उत्तर से 6वीं बार जीते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण तथा गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री वे पहले भी रह चुके हैं। सज्जन सिंह वर्मा इंदौर के हैं लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा सोनकस से और वे 4थी बार विधायक बने। नगरीय प्रशासन मंत्री रह चुके हैं और वे अनुसूचित जाति का बड़ा चेहरा है। बाला बच्चन राजपुर से 5वीं बार विधायक बने हैं और वे पहले खेल तथा युवा कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। विजय लक्ष्मी साधो महेश्वर से 3 बार विधायक रही, 1 बार राज्यसभा सदस्य और मंत्री रहे। हुकम सिंह कराड़ा पहले भी मंत्री रह चुके हैं, शाजापुर से 5वीं बार के विधायक हैं, पहले ऊर्जा मंत्री रहे और मालवा का बड़ा चेहरा माना जाता है। तरुण भानोट ये पहली बार मंत्री बनेंगे, जबलपुर पश्चिम से 2री बार विधायक बने, कमलनाथ के करीबी ब्राह्मण चेहरा है। लखन घनघोरिया, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, लखन सिंह यादव, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, ओमकार मरकाम, सुखदेव पासे, प्रभुराम चौधरी, जयवर्धन सिंह, हर्ष यादव, कमलेश्वर पटेल, सचिन यादव, पीसी शर्मा, सुरेंद्र सिंह बघेल, जीतू पटवारी, उमंग सिंगा, प्रद्युम्न सिंह, प्रदीप जायसवाल, महेंद्र सिसोदिया, इमरती देवी ये सभी पहली बार मंत्री बनेंगे। तो देखिए इस तरह से पहली बार 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन फिर से लौटा है और कमलनाथ के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल की टीम तैयार है। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में ये टीम क्या अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। इसी तरह खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए घमासान.com।